सरकारी मंद है, भ्रष्टाचार है, अराजकता है, यह सारे काम उत्तर प्रदेश की नाकामी सरकार की वजह से हुआ है। परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य रहा है उत्तर प्रदेश के जनमानस में एक जादू फूंकना, और भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम में सफल होने जा रही है। मित्रों, अभी कुछ दिनों पहले आपको मालूम होगा पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाजार आ नहीं रहा था। हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री ने कई बार संबंध स्थापित करने का काम किया है, और चाहे उनकी माँ का आशीर्वाद लेने का काम किया हो या अपने प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में उनको निमंत्रण देने का काम हुआ हो, लेकिन ये नाकामी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाहर आने का काम नहीं किया, उसका दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने रात को बैठकर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे पाकिस्तान को उनको घर में करारा जवाब मिला, तुम्हारा घात हुआ। उसके पश्चात नरेंद्र मोदी भाई ने एक संकल्प लेकर 2014 के लोकसभा के चुनाव में कटिबद्धता जाहिर की थी कि मैं इस भारत सरकार भारत में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की स्थापना करूंगा। मित्रों, उन्होंने उनके कथन और करने में फर्क नहीं हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 तारीख को रात 8 बजे से 1,500 की नोट पूर्ण रूप से बंद कर दी गई। आज ऐसे ओजस्वी प्रधानमंत्री हम सबके अगुवा, हम सबके मार्गदर्शक, आदरणीय बड़े सौभाग्य का विषय है। हम सबके बीच आदरणीय श्री देवेंद्र मिश्र निर्वाह जी उपस्थित हैं, हमारे आदरणीय रहे हैं। मित्रों, कहने का मतलब कि आज भारत उत्तर प्रदेश की जनमानस में एक लहर उभरा, भ्रष्टाचार पर बहुत ही गुभारा घात हुआ। आज नेता, मंत्री, अफसर सारे लोग बेहाल हो चुके हैं, उनके पास धन नहीं है। मित्रों, जागरण में आज के 3-4 साल भारतीय जनता पार्टी गर्व से कहना पड़ेगा लोकतंत्र की लोकतांत्रिक पार्टी है। यह समाजवादी विचारधारा की पार्टी उनको किसी भी प्रकार का समाजवाद की परिभाषा के बारे में नहीं पता है। क्या समाजवाद यही होता है लड़का मुख्यमंत्री, पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, क्या यही लोकतंत्र है? कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए मित्रों, यूपीए का अध्यक्ष अगर कोई होगा या तो सोनिया गांधी होगी, या प्रियंका गांधी होगी, या रावत वाड्रा होगा, या तो राहुल गांधी होगी। इसी प्रकार कांग्रेस की बेटी परम धनवान कुमारी मायावती जी है, जिनकी आज कई विधायकों से हमारी मुलाकात हुआ। हम भी कहने लगे मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। हमारे माध्यम से बातें कई बार आई कि भाई मायावती के पास हमारे पैसे गए थे, उन्होंने पैसा कहा जो है कि हमारा इसको नई करेंसी करके आओ, तो हमने कह दिया कि भाई जिसको भी रख लू इसको ले जाऊंगा, तो अभी मैं पकड़ा जाऊंगा, हम इससे बदले में आपको नई नोट उपलब्ध करा दूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वहां का प्रत्याशी, उस पार्टी का चुनाव लड़ने वाला प्रतिनिधि पैसा देकर ही चुनाव टिकट प्राप्त कर सकता है। वो तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र